बैतरपुरा पुलिस मठी कंटाड़े आघात करना युवा परिवारजनों द्वारा सिंगणपुर डपोली पुलिस मथक में फरियाद नोधाई होवा छता आरोपी धर पकड़ न कराई होने लाई पुलिस कमिश्नर ने आवेदनपत्र आप रजूआत कराई थी। सूरत पुलिस कमिश्नर कचेरीए आवेदनपत्र आप पहुंचेला किशोर सोजित्राए जणाव्यु कि मैदरपुरा पुलिस मथकना पुलिस कर्मचारी त्रास थी कंटाड़ी हीरा वेपारीए आपघात कर लीधु जे मामले सिंगणपुर पुलिस मथक में फरियाद में नोधाई थी। जो कि आज दिन सुधी मैदरपुरा पुलिस मथकना पुलिस कर्मचारी के जेना द्वारा मानसिक त्रास अपाता आपघात करायु होनी धरपकड़ न कराई हो मामले तात्कालिक आरोपी की धरपकड़ की मांग करी थी। गई 26 तारीखे मारा नाना भाई आत्महत्या करी थी एना अनुसंधाने आज अमे कमिश्नर साहब ने मळवा आव्या। शू मांग छे कई रीतना आखो जे घटना हती अमारी मांग ए छे कि अमारा भाई जे आत्महत्या करी थी ये पुलिसवाळा तथा हीराना सेठियाओना त्रासथी करेली हती जेनी फरियाद पण अमे गई 26 तारीखे आपेली छे पण आज तारीख सुधी आरोपीओ फरार छे कोईने पकड़ेला नथी धरपकड़ करी नथी અમે ન્યાય મેળવવા માટે અહીંયા સાહેબની અપેક્ષા પાસે આવ્યો। મેનેજરની પણ હજી ધરપકડ નથી નહીં કોઈ પણની ધરપકડ નથી। મેજરપુરા પોલીસ ચોકીના પીએસઆઈ મકવાણા સસ્પેન્ડ કર્યા છે જો ગુનેગાર હોય તો જ સસ્પેન્ડ કરે ને તો એને ગુનેગાર તો બતાવ્યા નથી ફરિયાદની અંદર દાખલ પણ નથી કર્યું નામ તો અમારી પણ એ માંગ છે કે પીએસઆઈનું પણ નામ દાખલ થાય ફરિયાદની અંદર અને એને પણ આરોપી બનાવાય। सूरत पुलिस कमिश्नर ने આવેદનપત્ર આપવા પહોંચેલા પરિવારજનોએ એવી પણ માંગ કરી હતી કે આરોપીના વોઇસ स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट पण करावामां आवे तेम कह्युं हतुं। ब्यूरो रिपोर्ट हिंटीवी न्यूज सूरत।